हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आगे एक और नए वीडियो के साथ हूँ। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि इंटेलिजी आइडिया का जो लेटेस्ट वर्जन डिलीट हुआ है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर देखेंगे उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जावा का प्रोग्राम को हम लोग कैसे रन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे इंटेलिजी आइडिया डाउनलोड। जैसे इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट हमारे सामने में ओपन हो जाएगा। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमको सबसे पहले शो हो रहा है, तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और आ जाते हैं इसके होम पेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो रिलीज हो गया 28 मार्च को, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 2023.1 वो हमको शो होने लगा है। तो चलिए इसको हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं इसका सेटअप फाइल, देन इसके बाद देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको दो टाइप का इसका सेटअप फाइल शो हो रहा है, एक अल्टीमेट और एक कम्युनिटी एडिशन। तो हम लोग कम्युनिटी एडिशन अभी डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप अल्टीमेट डाउनलोड करते हैं तो आपको 30 दिन के बाद कुछ पेमेंट करना होगा इसको यूज करने के लिए। तो चलिए कम्युनिटी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन डाउनलोड बटन पर क्लिक करने से पहले आप एक चीज़ चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपके का आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज सेलेक्ट कर लीजिए, मैक यूज कर रहे हैं तो मैक सेलेक्ट कर लीजिए, लिनक्स यूज कर रहे हैं तो लिनक्स सेलेक्ट कर लीजिए। इस चीज़ को आप कंफर्म करने के बाद सिंपल कम्युनिटी एडिशन के डाउनलोड बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो हम इसको पहले ही डाउनलोड कर लिए थे ताकि मेरा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं और चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आप इसको पूरा डाउनलोड हो जाने दीजिए। तो देख सकते हैं कि जो इसका लेटेस्ट वर्जन का सेटअप फाइल है वो मेरे डाउनलोड फोल्डर में शो होने लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको रन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसके सेटअप फाइल को रन कीजिएगा तो सबसे पहला इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि हम यहाँ इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इंस्टॉलेशन पाथ बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव को सिलेक्ट किए रहता है, आप चाहे तो इसको दूसरे जगह में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ब्राउज पर क्लिक करके आपको पाथ सेलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हो तो हम उसी को रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप भी चाहे तो इसको सेम रहने दे, अदरवाइज नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जितना भी बॉक्स है यहाँ पे सबको आप चेक कर दीजिए, और सबसे नीचे में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए इसको यूज करना चाहते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे जावा सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर जावा में अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सिंपल जावा एक कोर जावा के लिए यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ जावा सेलेक्ट करेंगे। आप अगर अदर यूज करना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, देन इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे इसमें जावा प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। सो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिनिश बटन पर क्लिक करके इसको फिनिश करते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें जावा प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अगर आप इससे पहले इंटेलिजी आईडी यूज किए होंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपको कि आप पिछला सेटिंग जो है उसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए हम एज ए न्यू रहे इसलिए डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं।
आप चाहे तो पीछे वाले सेटिंग को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आप यस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही आप IntelliJ IDE को इंस्टॉल कर लीजिएगा और फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम भी इस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है डिटेक्टिंग JDK। तो आप अगर IntelliJ IDE यूज करना चाहते हैं तो IntelliJ IDE हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं या फिर कोटलिन के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप जावा के लिए यूज करना चाहते हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपके लैपटॉप में पहले से JDK इंस्टॉल होना चाहिए। अगर JDK इंस्टॉल नहीं है तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है, अभी इसका लेटेस्ट वर्जन JDK 20 रिलीज हो चुका है, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, हम उसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं इस प्रीवियस वीडियो में, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, देन उसके बाद IntelliJ IDE को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे देते हैं कुछ भी, बाई डिफॉल्ट तो अनलिमिटेड ले चुका है, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं अपना कुछ भी नाम, और इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो थोड़ा सा सेटअप ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा तो टाइम लगेगा, आपका लैपटॉप फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा, अगर स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हेलो एंड वेलकम प्रोग्राम भी जावा में लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है इसका। तो यानी तो आप चाहे तो अलग से प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ है पहले हम उसको रन कर लेते हैं, देन आपको बताएंगे कैसे आप खुद भी प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसी में आप चाहे जो प्रोग्राम वो लिख सकते हैं, देन उसका रन करने के लिए सेम प्रोसेस से आप रन कर सकते हैं। तो जावा पे हम और भी वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यानी तो मेरा प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। तो और अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम JDK को इंस्टॉल किए हैं या फिर IntelliJ IDE यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। तो देख सकते हैं नीचे में जो मेरा JDK है उसको इंपोर्ट कर रहा है, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग रन करेंगे। तो जब तक कि सेटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरा सेटिंग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करंट फाइल पे क्लिक करेंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, देन ऐड ऑन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं मेन क्लास हमको सेलेक्ट करना है, तो चलिए इसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मेन जो क्लास है यहाँ पे शो होगा, आपका जो करेंट प्रोजेक्ट ओपन रहेगा वो सेलेक्ट शो होने लगा है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही सेलेक्ट कर लीजिएगा तो मेन मेरा क्लास सेलेक्टेड है, देन उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि रन बटन अब विजिबल हो गया और इसको हम लोग रन कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, चलिए रन बटन पर क्लिक करते हैं इसको। तो देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट टाइम लॉन्ग अगर आप रन कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम के बाद टाइम नहीं लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ था हेलो एंड वेलकम, देन उसके बाद जो सेकेंड स्टेप में था एक लूप चला हुआ है यहाँ पे जो 1 से लेके 5 तक चलेगा, जो मेरा प्रिंट कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम कोई और वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, या आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।